पलवल में आंधी और बारिश ने जिले को भारी नुकसान पहुंचाया है। जगह जगह टूटे हुए पेड़ और खम्भे नजर आ रहे हैं। पलवल में तूफान, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से भारी नुकसान हुआ है। शुरुआत धूलभरी हवाओं से हुई और ये हवाएं कुछ ही देर में आंधी तूफान में तब्दील हो गयी। फिर बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसने किसानों की कपास, मूंग और बाजरे की फसल को नष्ट कर दिया। इस आंधी तूफान और बारिश की वजह से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। इस तूफान से जगह जगह भारी पेड़ गिर गए हैं और बिजली के खंभे भी उखड़ गए। गाड़ियां पेड़ों के नीचे दब गई। नेशनल हाईवे पर बना पुलिस का बोट भी उखड़कर दूर जा गिरा। आंधी तूफान की वजह से पेड़ उखड़कर एक गाड़ी पर जा गिरा, जिससे गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। एक पेड़ गिरने से गाड़ी कट हुई है पेड़ से, और वाली नगर वार्ड नंबर 15 की लाइन है वो उसका ट्रांसफार्मर खंभे के साथ गिर गया है, अभी काफी नुकसान है यहाँ पर। वहीं इस भारी तबाही को देखते हुए आसपास के लोगों ने मामले की सूचना बिजली विभाग के कर्मचारियों को दी। सूचना मिलते ही कर्मचारियों ने बिजली आपूर्ति को बंद कर दिया। बिजली विभाग के कर्मचारी रास्ते से ट्रांसफार्मर और नीचे पड़ी तारों को हटाने और मरम्मत करने में जुट गए हैं। पलवल से ऋषि भारद्वाज के साथ टीम फोकस हरियाणा।